आईपीएल 2022 का 59वां मैच जो ही खेला जाएगा एमएस धोनी की टीम बसेस रोहित शर्मा के टीम के बीच यानी चेन्नई सुपर किंग बसेस मुंबई इंडियंस के बीच। आपको इस वीडियो में दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको जो मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया मुझे क्या लगता है इस मैच में एमएस धोनी की टीम और रोहित शर्मा टीम कौन सी मैच को जीत सकती है। तो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, अगर देख लेते हैं ना तो उस मैच के ए टू सभी जगह पता चल जाएगा, ठीक है, सभी रिकॉर्ड जो बता दिए जाए वीडियो जरूर से देखे, ठीक है। इस वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे ना करें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि जब भी हमारे वीडियो डालें ना उन्हें टाइम पे दे दिए। तो टीम लास्ट के पांच बार जो आपस में भिड़ी है, लास्ट के पांच मैचों में जो चेन्नई सुपर किंग की टीम जो मुंबई इंडियंस से तीन बार जीती है, वहीं मुंबई टीम जो दो बार जो चेन्नई सुपर किंग की टीम जो जीत गई थी मुंबई इंडियंस से, ठीक है। वहीं आपको बता दूं आईपीएल 2021 में भी ये दोनों टीमें जो है दो बार से भिड़ी थी, ठीक है। एक मई को एक बार भिड़ी थी 19 सितंबर को, ठीक है। एक मई में जो मैच था इंडिया में वो जीती थी मुंबई टीम, ठीक है, जो 19 सितंबर में मैच था यूएई में वो जीती चेन्नई सुपर किंग की टीम। बात करें दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की तो चेन्नई सुपर किंग के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट के पांच मैचों में से तीन मैच जो है जीती है, वहीं दो मैच जो है हारी है। वहीं अगर बात करें मुंबई के रिसेंट फॉर्म की तो लास्ट के पांच मैचों में जो मुंबई टीम तो पहले दो मैच तो बैक टू बैक हारी, उसके बाद दो मैच बैक टू बैक जीती, भले उसके बाद लास्ट मैच एक हारी। चेन्नई सुपर किंग की बात करें ना चेन्नई सुपर किंग के लिए जो लास्ट के पांच मैच में तीन मैच जो जीती है ना, एक मैच जीती दिल्ली कैपिटल से पहले बैटिंग करते हुए, एक मैच जीती सनराइज हैदराबाद से पहले बैटिंग करते हुए और एक मैच जीती मुंबई इंडियंस से चेस करते हुए, ठीक है। और लास्ट के पांच मैच दो मैच जो हारी, एक मैच हारी किससे, रॉयल बेंगलोर से चेस करते हुए और एक मैच हारी पंजाब किंग्स से चेस करते हुए। बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई टीम जो लास्ट के पांच मैच दो मैच जो जीती है बैक टू बैक, एक मैच जीती गुजरात टाइटन्स से पहले बैटिंग करते हुए और एक मैच जीती है किससे, राजस्थान रॉयल्स से चेस करते हुए। लास्ट के पांच में जो तीन मैच हारी है, एक मैच हारी है कोलकाता नाइट राइडर्स से, ठीक है, चेस करते हुए, एक मैच हारी है लखनऊ सुपर जायंट्स से चेस करते हुए, एक मैच हारी है किससे, चेन्नई सुपर किंग्स से ही हारी है, ठीक है, जो कि पहले बैटिंग करते हुए हारी। बात करें आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल की तो बता दूं मुंबई टीम जो है लगभग आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है, ठीक है। अब आईपीएल 2022 में जो मुंबई टीम जो क्वालिफाई जो है नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की टीम जो अभी से लगातार अपने सभी मैचेस जीतती है, ठीक है, सभी मैचेस सबसे पहले तो जीतती है, उसके बाद बाकी टीम पर फिर भी इनको डिपेंड रहना पड़ेगा। सुपर किंग का भी जो है प्ले ऑफ में जाने का चांसेस है, ठीक है, थोड़ा चांसेस है बट 5 से 10% ही चांसेस। चेन्नई सुपर किंग को जो प्ले ऑफ में जाना है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो और सनराइज हैदराबाद, इन दोनों टीमों को बैक टू बैक अभी जो मैचेस हारने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जो है चेन्नई सुपर किंग का जो प्ले ऑफ में जाने का जो रास्ता है वो बन पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की ओवरऑल टीम कंपैरिजन की। तो आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग की टीम जो लास्ट 10 मैचेस लिए सभी टीमों के साथ, तो चेन्नई सुपर किंग का जो विनिंग परसेंट है केवल 40% का ही रहा है, ठीक है। एवरेज स्कोर है 177 का, हाईएस्ट स्कोर है 216 रन्स का और लोएस्ट स्कोर है कितने, 126 रन्स का, ठीक है। बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई टीम जो लास्ट 10 मैचेस लिए सभी टीमों के साथ, तो मुंबई का विनिंग परसेंट 20% का, ठीक है। पहले मुंबई का जो विनिंग परसेंट रहा करता था ना वो रहा था 80% का रहा करता था, ठीक है, जब मुंबई टीम टॉप की टीम हुआ करती थी। बट अभी तो आपको पता है मुंबई का जो हालत बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, ठीक है, केवल 20% का विनिंग परसेंटेज है लास्ट के 10 मैचेस में, ठीक है। एवरेज स्कोर है 158 का, हाईएस्ट स्कोर 186 का, लोएस्ट स्कोर 113 का। वहीं बात करें दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की तो आपको बता दूं मुंबई का जो ओपनिंग साझेदारी है बहुत ज़्यादा भी खराब चल रहा है, ठीक है। वहीं चेन्नई सुपर किंग की ओपनिंग साझेदारी की बात करें तो लास्ट के तीन मैच जीते, तीनों मैच जो है ओपनिंग साझेदारी के बदौलत ही जीते हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में मुंबई की टीम जो है चेन्नई सुपर किंग से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, ठीक है। बैटिंग डेप्थ दोनों टीमों का एवरेज है, ठीक है। पेस बॉलिंग में जो है मुंबई टीम जो चेन्नई सुपर किंग से थोड़ा ज़्यादा आगे, क्योंकि इनके में जो बुमराह भी आ जाते हैं। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुंबई की टीम जो बहुत ज्यादा पीछे है चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग जो बहुत ज्यादा आगे है मुंबई इंडियंस से। बात करें दोनों टीमों के स्क्वाड की, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के आपको स्क्वाड में एमएस धोनी, ठीक है, रविंद्र जडेजा, रोबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अंबाती रायडू, ठीक है, मोइन अली, ठीक है, और बहुत अच्छे से बैट्समैन बॉलर और ऑलराउंडर आपको चेन्नई सुपर किंग की टीम में खेलते दिखाई देते हैं, ठीक है। बात करें मुंबई इंडियंस स्क्वाड की, मुंबई स्क्वाड में आपको रोहित शर्मा, ठीक है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत
बुमराह, डैनियल सैम्स, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर आपको मुंबई टीम में भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। मुंबई टीमों की बात करें ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वीक पॉइंट की, तो आपको पता चेन्नई सुपर किंग का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि चेन्नई सुपर किंग जो ओपनर्स है रन बना रहे हैं, ठीक है। आपने देखा चेन्नई सुपर किंग जो लास्ट के तीन मैच जीती है, पांच मैचों में से तीनों के तीनों मैच में जो है चेन्नई सुपर किंग के ओपनर रन बनाए, पावर प्ले में विकेट जो नहीं खोए, जिस कारण जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम जीत पाई है। बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई की टीम जो ओपनर भी रन बनाने के मिजाज में लग रहा है नहीं, ठीक है। बात करें ईशान किशन की, ईशान किशन रन बना नहीं रहे हैं, ठीक है। लास्ट मैच अच्छा खेले थे, बट आपने देखा था कितना ज्यादा बॉल जो है खेल गए थे, ठीक है। वहीं का बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा जो है आधे टेढ़े शॉट मार के आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें तो सूर्य कुमार लास्ट मैच खेले नहीं थे, पता नहीं इस मैच अवेलेबल होंगे कि नहीं। बात करें करण पोलार्ड की, तो करण पोलार्ड पता नहीं उन्होंने लास्ट मैच अच्छा प्रदर्शन कब किया था, और हाँ इस बार जो है टेस्ट पारी खेलने का T20 पता नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये सारा कुछ खामियां हैं जो मुंबई इंडियंस को सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो चलो अब तो बाहर हो चुकी है, बट अगले साल मुंबई ने अगर सभी खामियों को सुधार किया तभी जो है लास्ट नेक्स्ट ईयर जो है मुंबई के टॉप की टीम में देख पाएंगे। चलिए बात करें दोनों टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की, ठीक है, जिन्होंने पिछले मैच बहुत प्रदर्शन किया, जिनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत चल रहा है, ठीक है। चलिए बात करें सबसे पहले तो बात करें मुंबई इंडियंस के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है तिलक वर्मा का आता है, ठीक है। दूसरा नाम आता है ईशान किशन का, लास्ट मैच अच्छा प्रदर्शन किए थे। तीसरा नाम सूर्य कुमार यादव का, इसमें चौथा जो नाम आता है जसप्रीत बुमराह का आता है, और पांचवा जो नाम आता है रोहित शर्मा का आता है, ठीक है। तो ये अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की, सबसे पहला जो नाम आता है चेन्नई सुपर किंग की ओर से ड्रेन ब्रावो का, दूसरा नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, तीसरा नाम आता है डेवन कॉनवे का, चौथा नाम आता है एमएस धोनी का, वही पंजवा जो नाम आता है इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा का। बात करें धोनी की टीम, एमएस धोनी की टीम और रोहित शर्मा टीम में कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, तो बता दूं दोनों टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इसमें कौन चेन्नई सुपर किंग की टीम इस मैच को जीतती दिखाई दे सकती है। आपका ध्यान है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मैच सुनने से पहले मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम में जाने से पहले अपने लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करो, है सभी दोस्तों शेयर कर दे, ठीक है। जितने क्रिकेट फैंस दोस्त सभी को शेयर कर दे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। मिलते हैं, बाय।